बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को ब्लॉग करते हैं शुरू। अभी आप लोग ठीक होंगे। अगर आपने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जुकाम ने रात को भी इतना तंग किया, मेरी नींद नहीं आ रही है। रात तक जुकाम रहता है, मेरा नाक जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है मुँह सांस लेना पड़ता है फेस तक। तो मुझसे सोया से ज़्यादा बहुत मुश्किल से मैं सोया था, जैसे मुझे अभी कुछ होने लगा। और अभी मैं सुबह उठा और वजू कर रहा था, फिर भी पता कुल्ली करते हैं और उसकी वजह से भी मुंह से सांस ले रहा था और नाक से सांस लिया जा रहा है, ऐसे सांस रुक रहा था। और ये जुकाम है कि बहुत ज़्यादा तंग था, जाता भी अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी मेडिसिन खा रहा। और मैंने वजू शुरू किया और अभी मैंने चूल्हा चला के और फिर नमाज पढ़ी है। और ये अभी तो मामा उठ गया, उन्होंने चाय शेयर किया, सामान गैस चली जानी है। अभी अभी बंदा जो चीज़ करना है जितना काम होता है उतना गैस पर करेंगे, बाकी सिलेंडर पर नाश्ता बनाएंगे। मुझे ये बताने का ये मकसद है कि सर्दियाँ आ गया, बच के रहें, ये ना कि आपके साथ भी ऐसे हो जाए। मुझे अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी लड़का अगर मतलब किसी को भी जुकाम हो और उससे मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसको मुझे हो जाता है जुकाम। और उस कॉलेज में एक लड़का था उसको जुकाम था, उससे बहुत ज़्यादा बच रहा था लेकिन वो नहीं था रहा, हम वो नहीं था फिर बेचारा। और उसको जुकाम था, मुझे लगता है कि उससे मुझे हो गया या अल्लाह बेहतर जानता कैसे हुआ है, लेकिन ऐसे हो जाता है। ये क्या कुछ ऐसी बीमारी होती है जो ट्रांसफर में एक दूसरे में हो जाती है, और मुझे भी शायद लगता है कि ऐसा ही हुआ है। और अभी चूल्हा चूल्हा जलाया और अंदर किचन गर्म हो गया ना, उसकी वजह से ज़्यादा इतनी ज़्यादा कुछ सर्दी सुर्दी नहीं लग रही है, मौसम चेंज हो गया है। और अभी जो है ना हम नाश्ता का नाश्ता करते हैं, नाश्ता भी होते हैं, मामा और नाश्ता करते हैं और भी कॉलेज की तैयार होती हैं, क्योंकि टाइम 7 बजे तक हमें निकलना होता, पता भी नहीं चलना है कितनी जल्दी 7 बजे मेरे पास सूरज निकलने का देर नहीं है, टाइम को पता नहीं चलना कितनी जल्दी चार्ज हो गया। अभी हम जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर कॉलेज भी जाते हैं। कॉलेज के लिए मैं तैयार हो गया हूँ और अभी हम चलते हैं कि कॉलेज और कॉलेज जाने का भी टाइम हो चुका हुआ है, 7 बज चुके हैं और इंशाल्लाह हम पूरे 7 बजे हमें अपना टाइम बनाया हुआ है, 7 बजे हम घर से निकल जाते हैं और जल्दी हम पूरे टाइम पे इंशाल्लाह हम पहुँच जाते हैं। 8 बजे तक इंशाल्लाह हम स्कूल में पहुँच जाते हैं और अभी हम चलते हैं जल्दी से। मैंने गाड़ी से हमें छुट्टी हो गई है, अभी हम चलते हैं देखकर। आज मैंने हमारे 6 पीरियड थे, जल्दी छुट्टी हो गई है, 12:30 बजे तक जल्दी से घर ही पहुँच जाते हैं सीधे। सर मैं पहुँच गया हूँ और अभी नमाज़ पढ़नी है, जिसोर की जाने हो चुकी हुई हैं, 10-15 मिनट हो गए हैं और जल्दी से हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर हम पहुँच चुके हुए हैं और सभी हमने नमाज पढ़नी है और सबसे पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट हो गए हैं जाने हुए हुए और अभी हम जल्दी नमाज पढ़ लेंगे। नमाज मैंने पढ़ ली है और अभी हमने खाना जी खाना और खाना खाते हैं और फिर देखते हैं। दीदा भी आ चुकी है, दीदा हाय कर दो। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा दीदा है, ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था दीदा, ये क्या कर रही हो। और अजय भी हमारे खाना जी खाना और खाना खा लेते हैं, अभी खाना बस हमारा बनने वाला है, जल्दी से हम खाना खा लेते क्या हुआ है? और जब भी हमने खाना भूख लगी हुई है, जल्दी से खाना खा लेते हैं। दीदा भूख लगी है, दीदा को आपको नहीं लगी, क्या खाए हैं? दीदा को नहीं भूख लगी, हमें भूख लगी हुई है, हम खाना खा लेते हैं। ए बाटे 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 तो देखना, क्या कह रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो, भूख लगी है, मीर को भूख लगी है, भूख लगी मीर को है। ओले जी मीर बाट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, ठीक ठीक बाप 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 बाप।
हाँ दादी हाँ दादी हाँ दादी हाँ दादी दादी हाँ हाँ और आज अभी हमारा खाना बन चुका था। आज हम खाना खा रहे थे, आज मीर पास साहब हमारे साथ आके मस्तियाँ कर रहे थे, और ये देखिए इसी बेड की चादर सारी इकट्ठी करती है। आई बात भूख लगी और आज हम खाना खा लेते हैं। और अभी खाना मैंने खा लिया, हमारे कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अभी जाना जी भाई खाना भी निकले चलते हैं, जाना भाई खाना भी चलते हैं और साथ हमारे जाने से मीर पास साहब और इधर पत्थर की लगाई है और इसकी वजह से दूर बहुत ज़्यादा उठ रही है और गले को जाग लग रही है। अभी हम जल्दी से इधर से निकलते हैं अपनी गली से और जाके खाना ले जाते हैं। मान लीजिए भाई खाना हम दे आए और अभी हम चलते हैं घर और घर जाके सब रेस्ट कर लेती हैं। रीदा रो रही है, रीदा को खिलौना नहीं लेके दिया गया टाइम और रीदा इस वजह से रो रही है, रोती ही चलती जा रही है। चलती जाओ जल्दी जाओ, अभी हम घर चलते हैं जाके सब रेस्ट कर लेते हैं। और अभी रेस्ट मैंने कर लिया और अभी सर की नमाज पढ़ा है, वो घर की नमाज पढ़ती है और आगे हम सर की नमाज पढ़ लेते हैं। सर की नमाज मैंने पढ़ ली है और जो मैंने दरख्त लगाया था ना वो सूख गया है, लेमन ग्रास का दरख्त पता नहीं क्यों सूख गया। ये देखिए ये इधर से देखिए सूख गया हुआ है, खुदा आलम जानता है क्यों सूख गया, किस वजह से सूख गया कोई पता नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है क्यों सूख गया। ये देखिए ये लगाया, ये नहीं सूखा, ये तो वैसे ही पहले कहना ये जो लगाया ये लेके आज को कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, शायद इसको कुवार के अंदर कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे मेरे जेहन में नाम भी आया था, अच्छा भला नाम था पर मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था, अच्छा भला मुझे नाम आता आता भूल गया। इसको मेरे एहसास से पता नहीं शायद दालम जाना कुवार के अंदर शायद कहते हैं, अगर आपके जेहन में हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या नाम है इसको, इसको क्या कहते हैं। काम की वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। अगर ईदा पता नहीं कहीं ये साथ वाले घर चले गए थे कि मोहल्ले के साथ घर चली गई थी खेलने के लिए और मुझे पता हमें पता ही नहीं क्यों किधर गई है। मैं सौरा ढूंढ ढूंढ के आ गया, मैं घर आ बैठा हूँ और ऊपर से मुझे आवाज़ आ रही थी और मैंने उनके घर जा रहे थे और ईदा साहब उधर गई हुई थी और फिर मैंने उसको उधर से ले गया, नहीं तो हम सब बहुत ज़्यादा डर गए हुए थे कि ईदा शायद पता नहीं कहाँ चले गई है। मैं तो गुस्से हो रहा था घर वाले को किधर चले गई है ईदा, आपको पता नहीं चलता है, और वो उनके घर चली गई हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमें लाख लाख शुक्र है मिल गई है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। जाना तो उसने कहीं नहीं था, इधर कैमरे में से पता चल जाना था किधर गई है किधर नहीं गई, लेकिन बहुत मुश्किल हो जानी थी। और कोई बात नहीं, अलग अलग जात कहते कहने वाली है। और आज को लागे खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने माँ बाप को भी शेयर करें, खुद भी शेयर करें और मुझे लगता है शेयर दीजिएगा।